सहारनपुर में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा देश भर में सद्भावना संसद आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में 29 अक्टूबर को देवबंद में भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में सर्व समाज के धर्मगुरु समेत गणमान्य शामिल होंगे। 29 अक्टूबर को ईदगाह रोड स्थित महमूद हॉल में आयोजित होने वाली सद्भावना संसद के आयोजक और जमीयत के जिला महासचिव जहीन अहमद ने बताया कि आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए देश भर में संगठन द्वारा आयोजित हो रही सद्भावना संसद के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक नगर देवबंद में भी यह सम्मेलन आहूत किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सद्भावना मंच के द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम है, सद्भावना संसद, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब का ख्वाब है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी में या देश का इतिहास रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके इस देश की तरक्की में योगदान दें, सब लोग मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएं और आपस में जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको दूर किया जाए और सब लोग एक साथ मिल करके देश की एकता अखंडता और तरक्की में सबका योगदान हो। यहाँ हमारे पूरे ज़िले से मुख्य मुख्य लोग आएंगे जी, हमारे त्रिपुरा बाला सुंदरी देवी मंदिर के अध्यक्ष पंडित सत्यन शर्मा जी, इसी तरीके से श्री विनोद प्रकाश गुप्ता जी, इसी तरीके से हमारे सेठ कुलदीप कुमार जी गुरुद्वारा सभा के, और मनोज वर्मा जी, हमारे बहुत सारे धार्मिक भाई गुरुद्वारा हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बीच में जो दूरी फैल करने की कोशिश की जा रही है धर्मों के बीच में, इसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके एक साथ जिस तरीके से हजारों वर्षों से इस देश में रहते चले आए हैं, इसी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान हो, सब लोग मिलजुल करके रहें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।